बंगाल में ममता के अत्याचार का होगा अंत। ममता के मंत्री अब खोलेंगे पाप की गठरी। सीबीआई के एक्शन से बढ़ी ममता की टेंशन। और बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। बंगाल में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। टीएमसी के कई नेताओं और मंत्रियों के ठिकानों पर छापे मारे हैं। चुनाव जीतने के बाद बंगाल में बदले की भावना से हिंसा कराने वाली ममता बनर्जी के हाथ पांव अब फूलने लगे हैं। सत्ता के नशे में चूर ममता बनर्जी को अब जेल के सलाखों का डर सताने लगा है, क्योंकि सीबीआई अब नारदा स्कैम की एक एक परत खोलने वाली है। नारदा स्कैम की जांच में जुटी सीबीआई ने आज ममता बनर्जी के चहेते मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी सहित दो और टीएमसी नेताओं के घर पर छापेमारी कर उन्हें हिरासत में ले लिया। सीबीआई अब इन नेताओं से पूछताछ करने में जुटी है। माना जा रहा है नारदा स्कैम से जुड़े कई राज को टीएमसी के नेता उगल सकते हैं। सीबीआई की इस कार्यवाही से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, लिहाजा उन्होंने सीबीआई के एक्शन के बाद हमेशा की तरह फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। बीच ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई है सीबीआई ऑफिस। ममता बनर्जी अपने तमाम समर्थकों के साथ वहां पर दल बल के साथ पहुंच गई है। मीडिया ने जब सवाल किया तो नाराज होते हुए नजर आई ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का सीबीआई दफ्तर जाकर बवाल करने का मतलब साफ है कि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि आज उनके चेहरे से नकाब उतरने वाला है। चुनाव समाप्त होने के बाद बंगाल की मासूम जनता को ममता बनर्जी का क्रूर चेहरा देखने को मिला। सत्ता के अहंकार में अंधी हो चुकी ममता बनर्जी ने अपने गुंडों को खुली छूट दे दी। बंगाल में खूनी खेला करने वाली ममता बनर्जी, आपके पाप का घड़ा अब भर चुका है और अब बंगाल में खेला नहीं न्याय होगा।